दोस्तों फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशोक। दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरा भाई तगड़ा स्पीकर लेके आया हूं सभी के लिए। तगड़े से मतलब कि ये है दोस्तों एक सॉलिड स्पीकर, देख लीजिए। ये किसी अकेले बंदे से उठने वाला स्पीकर नहीं है। और वीडियो में आप सभी को मालूम है कि आज की इस वीडियो में ना कुछ तहलका होने वाला है। अगेन यहाँ पे ये आपको 8 पीस मैग्नेट मिलते हैं, कुछ अलग है। ये देख लीजिए, पीछे से भी आपको स्पीकर अलग देखने को मिलता है और कुछ डिफरेंट बेस में आज आपको दिखाने सुनाने वाला हूँ, मतलब सुनाने वाला हूँ, तो मज़ा बहुत आने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्पीकर की बॉक्स पैकिंग, जहाँ पे आपको मॉडल नंबर इसका मेंशन है YX1875। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं YX सीरीज की बात करूँ तो अभी तक आपको जो है YX1885 मिलता था, लेकिन ये अपग्रेडेड मॉडल्स हैं। इसके बीच में एक और है, सस्पेंस है, दिखाएंगे किसी और वीडियो में। बाकी यहाँ पे आपको ATA Pro की हर जगह पे ब्रांडिंग, भाई टेप की ब्रांडिंग हर जगह मिल जाती है। कुछ की फीचर्स जो है ना इसकी यहाँ पे मेंशन करे गए हैं, वो तो खैर मैं वीडियो के अंदर जो है वो बता दूंगा। फिलहाल मैं फटाफट से इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ, देखते हैं स्पीकर कैसा है हमारा। एक चीज दोस्तों यहाँ पे जरूरी है दिखाना, वो है इसका अनबॉक्स एक्सपीरियंस। अभी यहाँ पे ये हैवी स्पीकर है, तो हैवी स्पीकर के साथ में जो है वो हैवी पैकिंग भी दी गई है। अगेन देख लीजिए, काफी मजा आता है जब आप इसको खोलते हैं, मतलब एक बाय एक जब लेयर खुलता है ना तो काफी मजा सा आता है। यहाँ पे ये मोटा सा कार्डबोर्ड है, ये हमारा मेन स्पीकर। स्पीकर ने एक पॉली बैग आता है, खैर ये टेस्ट करने के बाद दोबारा मैंने इसके अंदर रखा है। फिलहाल में ना मैं स्पीकर को निकालता हूँ और देखिए मजा आएगा है। और कुछ हटके है ये, चलिए देखते हैं। ये दोस्तों स्पीकर का पेपर कोन का क्वालिटी, और यहाँ पे जो कि पेपर कोन की क्वालिटी है आपको डिफरेंस लग रहा होगा भाई। हाँ, कुछ यहाँ पे यूज में लिया गया। आप चाहे इसको फ्रंट से देखें, चाहे इसके बैक से देखें, इसका जो कि क्वालिटी है ना बहुत हैवी लगता है भाई। मतलब अगेन यहाँ पे कंपनी ने बोल्ट्स भी जो है डबल दे रखे हैं, और मैं भी सजेस्ट करूंगा इसके फ्रेम के साथ में या फिर जब इसको आप फिट करें तो डबल बोल्ट्स का अगेन यूज करें। स्पीकर का जो वेफल है या फिर कैबिनेट का वेफल है उसको आपको मजबूत करना है। वेटेड स्पीकर है, हैवी स्पीकर है, लुक से ही मालूम चल रहा है। ये डस्ट कैप है इसका, चारकोल गम से यहाँ पे सील का आउट करा गया। अगेन यहाँ पे टेक्सचर जो है उस पर करा गया ताकि ये मॉइस्चर प्रूफ रहे, कोई भी थोड़ा बहुत पानी के छीटे वीटे चले जाए तो यहाँ पे कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। बाकी यहाँ पे मैं पीछे से भी अगर पेपर कोन को दबाने की कोशिश करूँ तो कोई भी मुझे ऐसे कोई क्रैक्स या फिर एक तो होता है ना कि चटक जाएगा या फट जाएगा पेपर, उस टाइप का फील नहीं आया इस स्पीकर के साथ में। गैस्केट जो है ये भी अलग टाइप की इसमें यूज में ली गई है। ये है दोस्तों यहाँ पे स्पीकर का बैक लुक, और अगेन ऐसा बैक लुक या फिर ऐसा क्वालिटी या फिर मतलब ये डिजाइन आपने कहीं देखा नहीं होगा। अगेन कंपनी का ये दावा है कि अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग डाइयां इसमें बनाई गई है। अब मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं भाई, एक एक डाइयां जो है ना वो कई कई लाखों रुपए की आती है, तो कई कई लाखों का मतलब यहाँ पे R&D इसके अंदर काफी लगी है भाई, इस ये दिख रहा है इसके स्पीकर में। दूसरा यहाँ पे आपको ये रेड फिनिश देखने को मिलता है। अगेन ये हीट सिंक है, ये एल्युमिनियम है, ठीक है ना, ये पूरी हीट सिंक अंदर तक आपको देखने को मिलेगी। बाकी यहाँ पे ये होल्स हैं, ये भी है। यहाँ पे कुछ डिटेल हैं, जैसे ये जैसे कि YX1875 इसका मॉडल है, ATA Pro की यहाँ पे ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। यहाँ पे इसका जो पावर है ना वो कुछ अलग तरीके से मेंशन है। यहाँ पे RMS यानी 999 प्लस 650 वाट 8 ओम्स पे यहाँ पे ये मेंशन करा गया। ओवरऑल ये पूरा ब्लैक टीयॉक आपको मिलता है। थिकनेस भाई इसका काफी ज्यादा हैवी है, मैं भी अभी आपको दिखाता हूँ। ये है दोस्तों यहाँ पे स्पीकर का फ्रेम डिजाइन, और यहाँ पे फ्रेम डिजाइन पे कंपनी ने इस बार बिल्कुल ध्यान दिया है, और अगेन यहाँ पे कोई डैमेज ना हो और कोई भी आपको परेशानी ना हो। तो ये फ्रेम है दोस्तों, ये डबल स्पॉक्स वाला, यानी आपको नॉर्मली ऐसा फ्रेम तो देखने मिलता है, बट यहाँ पे जो सपोर्टिस ये लगाए गए हैं ये और इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। अगेन ये खोखले नहीं है, ये पूरे प्रॉपर है, ये पूरे भरे हुए आपको मिलते हैं, डाईकास्ट एल्युमिनियम होता है ये बेसिकली। बाकी यहाँ पे ये वेंटिलेशन आपको देखने मिलता है, ये देख लीजिए इसका ये पूरा मोटर यानी इसके मैग्नेट्स। अब यहाँ पे जो कि मैग्नेट्स है वो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसके अंदर जो है वो 8 मैग्नेट यानी ये जो पीसेज है ना ये 8 मैग्नेट जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल में लिए गए हैं, तो कोई भी मैग्नेट जो है वो एक दूसरे से यहाँ से अलग नहीं होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि मतलब इतने बड़े मैग्नेट को प्लेसमेंट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए कंपनी ने यहाँ पे इनको डिवाइड करके यहाँ पे 8 पीस का मैग्नेट जो है वो इस्तेमाल में लिया गया है। बाकी ये वेंटिलेशन है, इसके टर्मिनल सॉकेट है। लुक्स की मैं बात करूँ ना, काफ़ी अच्छा है इसका लुक, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ साइड से भी। तो ये है इसका दोस्तों ओवरऑल लुक। और अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बात करूँ इसके स्पाइडर की क्वालिटी, तो यहाँ पे जो कि स्पाइडर है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल डिफरेंट है। अगेन YX2 सीरीज जितने भी आती है ATI Pro के अंदर आपको सेम ऐसे ही रेड कलर का स्पाइडर देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पे जो कि स्पाइडर है वो डबल स्पाइडर जो है वो इस्तेमाल में ले गए। ये आप देख रहे हैं ना ये वाली रिंग, ये देखिए यहाँ पे आपको ये लाल सा दिख रहा होगा, तो इसके नीचे एक और रिंग रख के एक और स्पाइडर का जो है वो इस्तेमाल में ले गया। तो इनको जो है आप सभी को मालूम है भाई ये स्पीकर जो है वो काफ़ी हैवी है।
अगेन आपने ऐसे रख दिया या फिर ऐसे ग्लू को चिपका दिया तो ये नहीं टिक पाएंगे। कंपनी ने जो है वो यहाँ पे इन पे बोल्ट्स भी जो है वो इस्तेमाल करें और बोल्ट्स भी यहाँ पे इनके साथ में टाइटली फिट करें ताकि कोई भी आपको आगे इशू ना हो इन फ्यूचर, क्योंकि ग्लू भी लूज़ पड़ता है। तो ये जो है वो आपके जो कि ये रिंग्स हैं ये भी इसको टाइटली फिट करके रखें। तो कंपनी ने ध्यान दिया है। अगेन मैं कहूँगा भाई यहाँ स्पाइडर की क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है, टाइट है, मतलब अगेन वो तो जब चलेगा ना तब आपको सजेस्ट करूँगा भाई हाँ ये स्पीकर जो है वो किस पर्पज से बनाए या फिर किन पसंदीदा लोगों के लिए जो है वो स्पीकर ये बनाए। तो ये है दोस्तों इसका स्पाइडर का क्वालिटी। तो दोस्तों कैसे लेके अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल्स इस स्पीकर के जरूर नीचे कमेंट्स बताना। अभी दोस्तों हम जान लेते हैं इसकी थोड़े बहुत स्पेशल्स और पावर रेटिंग्स के बारे में। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं पावर रेटिंग की बात करूँ तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि भाई ये 1999 प्लस 650 वाट है क्या। तो मैं आपको बता दूँ ये 1999 जो है वो पहले आपको जो कि 1885 में या फिर 2000 वाट के जो कि 5 इंची कॉयल में आपको मिलते हैं, लेकिन ये वो स्पीकर नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप सभी को मालूम है जब ATI प्रो ने लॉन्च कराया तो कुछ हटके लॉन्च कराया, तो यहाँ पे आपको एक प्लस ऑफर या फिर कह लीजिए कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ मिला थी कि 650 वाट आपको सेम स्पेशल जो कि आपको मार्केट में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कि क्वालिटी है भाई इसकी बहुत तगड़ी है। तो ये स्पीकर जो है वो ओवरऑल अगर मैं बात करूंगा तो 2600 वाट 2650 वाट जो है वो आपको मिल जाता है। तो इस ध्यान पे ये भी रखना है कि आपने एम्पलीफायर भी जो है अच्छा यूज करना है। 5 इंची कॉइल है, इन आउट वाली है, लेकिन ये कोई भी नॉर्मल कॉइल्स आपको नहीं देखने को मिलती है, हाई टेम्परेचर कॉइल इसके अंदर इस्तेमाल में जो है वो ली गई है। इसके अलावा अगर मैं दोस्तों बात करूंगा तो इसके अंदर जो कि एक पॉइंट मैं आपको रखना चाहूंगा कि हीट सिंक, यानी इसके अंदर जो कि हीट सिंक आपको इस्तेमाल में देखने को मिलती है वो प्योरली कॉपर की हीट सिंक है और दूसरा बाहर से भी यहाँ पे एल्युमिनियम का जो इस्तेमाल में लिया गया। तो इस बात का कंपनी ने ध्यान रखा है कि अगर आप ओवरलोड चलाते हैं या फिर हीटिंग जैसे इशू आपको मिलते हैं, लाइक अगर आप लोअर से लोअर फ्रिक्वेंसी पे भी जाते हैं तो वहाँ पे आपके स्पीकर्स जो है ना स्मेल से करते हैं, बर्न से हो जाते हैं, तो इसमें मेरे को कोई ऐसा प्रॉब्लम मिला। खैर वो टेस्टिंग पे आप समझ जाएंगे कि हाँ भाई ये जो कि मैं आपको बातें बता रहा हूँ वो कैसी है या फिर क्या समझने वाली है वो आपको सॉन्ग्स पे या फिर टेस्टिंग में जो वो समझ में आ जाएगा। सेंसिटिविटी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो 96.5 dB जो है वो आपको मिल जाता है। वेट इसका काफ़ी ज़्यादा, अकेले बंदे से बिल्कुल नहीं उठता, अगेन हैवी स्पीकर तो वेट तो ज़्यादा होगा, 28 किलो 300 ग्राम का इसका वेट जो है वो आपको देखने को मिलता है। चैसी डाइकास्ट एल्युमिनियम से यहाँ से बनाई गई है और जो कि पेपर कोन है वो दोनों बोथ साइड से यहाँ पे वाटरप्रूफ या फिर कह लीजिए जो मॉइस्चर प्रूफ है वो दिया गया है। तो स्पीकर को आप अच्छे कैबिनेट में डालना। फिलहाल मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हम कौन सी कैबिनेट में यूज़ करें। स्पेशली मैंने इसके लिए एक डिमांड पे कैबिनेट भी बनाया, चलिए ना अभी मैं आपको एक बारी टेस्टिंग इसकी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बात करें टेस्टिंग के लिए तो टेस्टिंग के लिए स्पीकर बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लगा चुके हैं हमारा YX 1875 और यहाँ पे भी लगा हुआ है। अगेन यहाँ पे इस कैबिनेट में जो कि कुछ चेंजेस करे हैं इस स्पीकर के लिए, क्योंकि यहाँ पे वेटेड ज़्यादा है। स्पीकर का वेफल जो है वो यहाँ पे 24 mm का रखा है और यहाँ पे बीच में हमने पार्टीशन दिया है ताकि पूरा प्रेशर अलग अलग मिले आपको। और यहाँ पे जो कि स्पीकर्स की वायर है, अगेन वहाँ पे 2.5 mm का हमने वायर रखा है और आप सभी को मालूम है इस पे ग्रिल कौन सा लगाना है, गैस्केट का भी काम है, ठीक है ना। तो कैबिनेट पर थोड़ा सा ध्यान दिया इस बारी और इस बारी मतलब कि स्पेशलाइज इसके लिए ही हमने यहाँ पे कैबिनेट बनाया है, ये ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पे बाकी एम्पलीफायर जो है वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे दो टॉप हमने लगा रखे हैं, 600+600 है, ठीक है ना। यहाँ पे एक ZED पे चल रहा है 5 इंची कॉइल, ये ध्यान रखिएगा कि मैं क्लिप पे भी लेके जाने वाला हूँ और आप सभी को मालूम है कितना पावरफुल एम्पलीफायर है। अगेन यहाँ पे पूरी चीज लीगल के सामने आ जाएगी कि हाँ भाई ये कितना हैवी है।
दोस्तों कैसे लगे टेस्ट होगा, कैसे लगा दोस्तों परफॉर्मेंस इस स्पीकर का, जरूर नीचे कमेंट्स बताना। दिल खुश हो गया होगा आपका। बाकी यहाँ पे इस टाइप के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं या फिर कुछ हटके जो प्रोडक्ट हैं उनको करने में मतलब आपको दिखाने में जो है ना मज़ा सा आ जाता है मुझे, और काफ़ी बेहतरीन काम करा है इस बारी। और ये उन लोगों को जो है पसंद आने वाला है जो बिल्कुल मांगते हैं ना, एक तरीके से कह सकते हैं कि देसी भाषा में कि हाँ भाई बेस जो है ना वो छाती में लगनी चाहिए, तो वो वाला जो है फील इसके अंदर पक्का आने वाला है। बस कैबिनेट पर ध्यान देना है, स्पीकर का वेफल आपको 18 mm यूज मत करना, जिस पे आप स्पीकर टाइट करते हैं वो 18 यूज मत करना, कम से कम 24 mm जो है आपने रखना, या फिर डबल 18 की प्लाई लगा के आप बना दीजिए। बाकी दोस्तों अवेलेबिलिटी के लिए तो ये जो है वो आपको यहाँ पे एक नंबर शो होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन भी शो होगा, तो यहाँ से आप जो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आपको आपके नियरेस्ट डीलर्स पे जो है वो ईजिली मिल जाएगा, तो वहां से जाके जो इसको आप देख सकते हैं, टेस्टिंग ले सकते हैं, बाकी जानकारी जो है वो आप वहां से ले सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना ज्यादा, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं उसे वीडियो में, जब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।